होटल में लगी आग, बाल बाल बच्चे धोनी और अन्य खिलाड़ी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित एक होटल में आग लग गई। इस होटल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड की क्रिकेट टीम ठहरी हुई थी। टीम के खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान खिलाड़ियों की किट जल गई। झारखंड की टीम विजय हजारे ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबले खेलने के लिए दिल्ली आई हुई है। यह मुकाबला बंगाल के खिलाफ शुक्रवार को पालम मैदान में खेला जाना था। आग लगने के कारण अब मुकाबला शनिवार को होगा। दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि उन्हें सुबह करीब 36 बजे वेलकम होटल में आग लगने की खबर मिली। यह होटल द्वारका के सेक्टर 10 में स्थित है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 30 कर्मचारी भेजे गए। सुबह 7:50 बजे आग पर काबू पाया गया। रणजी ट्रॉफी में झारखंड टीम के अनाधिकारिक मेंटर होने के साथ साथ धोनी विजय हजारे ट्रॉफी में टीम के सदस्य भी हैं। अभी तक उन्होंने सभी 6 मैचों में टीम की कप्तानी की है। धोनी के टूर्नामेंट में खेलने से झारखंड के मैच देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं।